लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज 29 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 29 इंडिया में और मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। आज हम आपको एक ऐसे शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जो कि एक नहीं दो क्षेत्रों में धनी है। पहले वह पूर्व पत्रकार हम इनको कहेंगे, साथ ही उसके साथ अभी की यदि हम बात करें तो अभिनेत्री है। पूजा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 29 इंडिया में। थैंक यू वेरी मच टू कॉलिंग मी हियर एंड दिस इज रियली अप्रिशिएटेबल वर्क फॉर मी कि आप मुझे बुलाए। और जस्ट लाइक दिस, यस, मैं पहले जर्नलिज्म में थी, उसके बाद मैंने जर्नलिज्म किया 10 साल, उसके बाद फिर मैं मॉडलिंग और एक्टिंग में काम कर रही हूँ अभी। तो काफ़ी अनुभव मिल रहा है, जिंदगी जी रही हूँ, खुश हूँ। पूजा जी, यदि हम बात करें तो आपने पत्रकारिता को क्यों छोड़ दिया? जी मुझसे सब लोग यही पूछते हैं कि क्यों मैंने छोड़ दिया। क्योंकि मैंने पत्रकारिता छोड़ी नहीं है मैम, वो मेरे ब्लड में ही है। मैं किसी बड़े काम को करने के लिए, जब आप रास्ता बदलते हैं ना, तो मैंने वही थोड़ा सा टर्निंग लिया है। क्योंकि 10 साल काम करने के बाद मैंने देखा यहाँ तो बड़े खाग लोग बैठे हैं, भाई मुझे तो कोई मौका देगा नहीं। और फाइनली दीपक चौरसिया जी ने मुझे एंकर बनाया जी। लेकिन फिर 2 महीने बाद मैंने जॉब को रिजाइन किया और मैंने सोचा अब मुझे इस तरफ जाना चाहिए, क्योंकि एक ग्लैमर जो है पॉलिटिक्स में जाने के बाद। जी, ग्लैमर की हम बात करेंगे, पहले ये जान लें कि आपने कहाँ कहाँ पत्रकारिता में अपनी सेवाएं दी हैं। हाँ जी, देखिए मेरी शुरुआत भास्कर से हुई थी, 9 महीने मैंने भास्कर की सेवा की। कहाँ पर की? हाँ, या गर्ग साहब के, हाँ, श्रवणगर जी, इंदौर में। उसके बाद नई दुनिया, फिर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, सहारा समय में मुझे बुलाया उन्होंने कि आप आइए, एंटरटेनमेंट में कवर करती थी। उसके बाद उन्होंने ही मुझे दिल्ली भेजा था इंटरव्यू के लिए, जहाँ मेरा सिलेक्शन हुआ नहीं था। क्योंकि मैं सच में बताऊँ तो उस समय मैं अपने आप को कहूँगी कि मैं गवार थी, मुझे ग्लैमर का ज़्यादा पता नहीं था और मैं बिल्कुल टॉमबॉयश लुक में रहती थी। तो एक जब दिल्ली की कोई लड़की शॉर्ट्स में आएगी और छोटे गांव की कोई लड़की जाएगी, इंदौर को तो वैसे लोग गाँव ही बोलते हैं, तो बड़ा कंपेरिजन हो जाता है वहाँ पर। मुंबई कहा जाता है इंदौर को, हम लोग कहते हैं, बाहर तो लोग गाँव ही बोलते हैं, दिल्ली मुंबई के लोग तो दे आर कॉलिंग अस गाँव। सो बड़ा डिफरेंस हो जाता है एकदम से जी। तो काफी सारी चीजें हैं, सीख कर आगे बढ़ते गए बस। आपने कहा कि बहुत घाग लोग हैं, तो उनसे कैसे हम आगे बढ़े? कुछ नहीं, बस आप अपना, हाँ, बस आप फोकस रहिए और अपना काम कीजिए। उन लोगों की तरफ जाने की जरूरत ही नहीं है जो आपके जिंदगी में मायने ही नहीं रखते हैं। मैंने तो यही किया है, गॉड ने हमेशा मुझे यही गिफ्ट दिया है कि अगर मेरे लिए 4 रास्ते बंद होते हैं ना, तो एक कोई खोल ही देता है। और हमेशा मुझे गलत आदमी से सही इंसान मिला है। मुंबई में भी यही होता है, बड़े बड़े लोग, हम ये हैं वो हैं, अच्छा ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं? गलत इंसान से ही सही रास्ता मिला है, किसी सही इंसान से सही रास्ता नहीं मिला है। ठीक है, यदि हम बात करें आज की पत्रकारिता और 10 साल पहले की पत्रकारिता में क्या अंतर है, खासकर जो महिला पत्रकार होते हैं उनके लिए? देखिए ये तो काफ़ी, बहुत बड़ा क्षेत्र है इसके लिए बोलना तो, लेकिन पत्रकारिता, मतलब कुछ बदलाव आया है 10 साल पहले और अभी में, खासकर महिलाओं? जी, मैंने पत्रकारिता तो 4 साल पहले ही छोड़ी है, लेकिन मैं देखती रहती हूँ, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। महिलाएं भी चेंज हो गई हैं अब तो, पहले अलग होती थी, बड़ी क्रांतिकारी विचारधारा वाली, लेकिन मैंने जहाँ तक देखा है आदमी से ज़्यादा औरतें करप्ट होने लगी हैं आजकल। ठीक है, दूसरी चीज़, ऐसा नहीं कि मैं एक औरत हूँ तो औरत का ही साइड लूँगी, जो सही है वो सही है और जो गलत है वो गलत। कई औरतें इस्तेमाल करती हैं अपने आप को आगे बढ़ने के लिए, मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ है, जो मेरे से कई कॉम्प्रोमाइज, हाँ, तो कैसे बचाया जाए अपने आप को और अपने टैलेंट जो है कैसे दिखाया जाए इन सब संघर्षों के बीच? देखिए फिर बात वही आ जाती है कि आपको अपने ऊपर फोकस करना है। जब मैं 90 किलो की थी, आपको मैं बताती हूँ, एक छोटा सा एग्जांपल बताती हूँ, जब आपको एवरीडे आपको परिवर्तन करना होता है, सीखना होता है, जब अपने अंदर आप सीखते रहते हैं ना, तो लोगों को लगता है यार ये क्या कर रही है। व्हेन आई वॉज इन 90 kg,
तो बड़े बड़े एंकर्स मुझे देखकर जिम जाने लग गए थे, क्योंकि मैंने एकदम से 30 किलो कम किया था जी। और आज वो बड़े प्राइम चैनल्स पे बैठते हैं, तो मुझे देखकर बड़ा मजा आता है। और वो बड़े आकर हंसते थे कि हमने देखो देखकर ज्वाइन कर लिया, इवन माय बॉस तेरे को देख के हमने किया। तो बात ये है कि आप दुनिया बदलो या नहीं बदलो, अपना अपना सर्कल बदल लो, खुद में बदलाव इतना लेकर आ जाओ कि लोग देखकर ही दंग रह जाए। देखिए अभी मैं रिपोर्टिंग में थी टॉम बॉयश, और अब मैं आपके सामने पत्रकार हुआ करती थी ऐसे सुनने में आया है, किसी को चाटा वाटा भी आपने मारा है? और बाप रे ये बात मत बोलिए नहीं चाटा तो देखिए जब मैं जर्नलिज्म में आई थी तो मेरे गुरु ने बोला था कलम से बड़ी कोई ताकत नहीं होती है, और जब मैं इस क्षेत्र में आ गई तो मैंने उसके बाद किसी को हाथ नहीं उठाया, बाइक से जरूर धक्का मारा है नहीं, लेकिन एक दबंग पत्रकार होना खासकर महिलाओं, हाँ बहुत जरूरी है। एक किस्सा बताना चाहती हूँ, मैंने ज्वाइन ही किया था सहारा समय, और मैं मलार आश्रम में फुटबॉल खेलने जाती थी, तो वहाँ पर डिस्कशन हो रहा था कुछ लोगों का कि भाई एक फैमिली है उसको कर्फ्यू लगा था तब इंदौर में, उनको जलाना है। तो मेरे पास और बड़ा डिस्कस कर रहे थे, बोले थे मैडम आप कवर करने आ जाना, बकायदा वो लोग गए वहाँ पे ठीक है, और मैं रात भर सो नहीं पाई। मैंने पापा का बाइक उठाया कर्फ्यू में, रात को 2:30 बजे मैंने गाड़ी ली और सीधा पहुँच गई वहाँ, और यहाँ से इंदौर से कम 12 किलोमीटर दूर है पालिया की तरफ जाना पड़ा मुझे। और फिर मैंने फ़ोन किया, उन्होंने मुझे फ़ोन किया, मैडम आप आ गए कवर करने के लिए? हाँ मैं अकेली ही गई थी, मैं घबरा गई थी, मैंने बोला कि कम से कम मैं उस परिवार को तो बचा लूँ जाकर। देखिए अभी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं वो बात बोलकर, तो फिर नहीं अरे मैं सच्ची में गलत बर्दाश्त ही नहीं होता है, इसलिए मैंने अब है ना चैनल देखना भी बंद कर लिया, क्योंकि चैनल्स पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी चलती है जो ज़मीर को मार के देखनी पड़ती है। और मेरे जो गुरु है प्रेमजी सर, जिनका मैं नाम लेना चाहूँगी, उन्होंने हमें ऐसा नहीं सिखाया, तो फिर मैंने अपनी लाइन ही बदल दी। तो कौन मतलब प्रेरणादायक कौन आपको ऐसे मिल गए जो आप ग्लैमर की लाइन में आ गई? सी मैं आपको वापस बताना चाह रही हूँ कि मैं ग्लैमर की लाइन में ज़रूर आई हूँ, लेकिन जब आपको बड़ा उद्देश्य पूरा करना होता है तो आप छोटे छोटे इसे अपने चंक बनाते हैं। एकदम से आप कॉपी तो भर नहीं देंगे ना, रोज एक पेज लिखेंगे, तो मेरा अभी वो लिखान चल रहा है। अभी मैं किताब भी लिखने वाली हूँ बहुत जल्दी, जो इसके इन दोनों बिटवीन में ही है, ये वाला मीडिया और वो वाला मीडिया। जर्नलिज्म के थ्रू आप कुछ लोगों तक ही जाते हैं, लेकिन पिक्चर हर घर में देखी जाती है, तो मैं आर्टिस्टिक अप्रोच के साथ। हाँ सबसे पहले आपकी कौन सी फिल्म थी आपने मतलब बॉलीवुड से एंट्री की या फिर? और देखिए फिल्में तो मैंने साइन करके रखी है 3, लेकिन मोदी जी की कृपा से अभी तक कुछ हुआ नहीं है उन्होंने मुझे सब साइनिंग अमाउंट दे दिया है, और बस उसी के लिए ट्रेनिंग ले रही हूँ मार्शल आर्ट एंड ऑल की, क्योंकि उसका भी हाँ बॉलीवुड की ही है तीनों। मैंने साउथ की एक मूवी की है लूमी, जो अमेजोन पे आने 90 मिनट की है, और वेब सीरीज़ में करती रहती हूँ, और बस यही सारी चीजें चलती रहती है। अभी वेब सीरीज का ही जमाना है तो काफी। आपने साउथ की बात की, तो जो आजकल की लड़कियां हैं या कोई भी है, तो साउथ फिल्मों में यदि हम एंट्री करते हैं तो अभिनय का मौका मिलता है, ऐसा कहा जा सकता है एक जरिया है अभिनय में जाने का? देखिए हर जगह टफ चीजें हैं, साउथ में जाएंगे उनके अलग रूल्स हैं, वहां पे लड़की को मैंने ये देखा है, मैं मदुरई में थी तब, बिल्कुल आप जाएंगे वहाँ फैमिली के साथ पिक्चर देखने जाते हैं, एक बिकनी का सीन होना पर्दा फाड़ देंगे वहाँ पे और यहाँ पे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी पिक्चर देखने नहीं जाते, इतनी नग्नता छा गई है। बोल्ड सीन्स के अलावा कुछ होता नहीं है वेब सीरीज में, तो मुझे कई लोग बोलते हैं आप बोल्ड सीन्स दे देती हैं, तो मैंने बोला हाँ दे देती हूँ, क्या हुआ उसमें? आप सनी लियोनी को पॉर्न स्टार से सीधा आपने सिर पे बिठा लिया है, तो हम तो भाई हम तो घर से निकले मीडियम मध्यम कर्मी, हमारा तो कोई है नहीं जो हमको पहुंचाएगा, आई एम नॉट अ सेलिब्रिटी किड जो मुझे आगे पुश करेगा कोई जी। तो मैं बस अपने तरीके से जो मुझे ठीक लगता है उसे ऑब्जर्व करके मैं कर लेती हूँ सारी चीज़ें। अच्छा टिकटॉक आजकल बहुत चल रहा है, उससे आप किस प्रकार का प्लेटफॉर्म मानती है? रातों रात लोग मशहूर हो जाते हैं वो मिलियन मिलियन तक लाइक, और कई मुझे भी कई लोगों ने बोला है पहुंच जा रहे हैं, तो उसे कैसा मानती हैं आप?
उसके लिए काफ़ी टाइम देना होता है, सच बताऊं तो टाइम ही नहीं होता है। आपको अपने ऊपर ध्यान देना है, फिर आपको काफ़ी सारी चीज़ें करनी होती है। ग्रूमिंग एक बहुत ज़रूरी होती है इंसान में, तभी आप लंबी दूरी क्रॉस कर सकते हैं। ठीक है, आज मैं टिकटॉक बनाऊं और रातों रात फेमस हो जाऊं और दूसरे दिन मुझे कोई पूछेगा नहीं, तो मेरे लिए तो ये चीज़ हो जाएगी कि मैंने कई लोगों को रोते हुए देखा, डियर फ्रेंड्स हमारा है ना मोबाइल ख़राब हो गया है, हमको अनफॉलो मत करना, ऐसा वैसा। और मैं अभी मुझे ज़्यादा पता है टिकटॉक के बारे में पता चला है, और मेरा एक वीडियो था जो 40,000 लोगों ने लाइक भी किया था, उसके बाद मैंने कभी टिकटॉक बनाया। मतलब कि आप ऐसा कह सकती हैं यहाँ पर कि कुछ समय के लिए ही ये मशहूर होते हैं इसमें, मतलब मेहनत है, जो मेहनत ही आगे ले जो लोग फाइनेंस कर सकते हैं वो फाइनेंस करके आगे आ जाते हैं, बाकी लोग घर में ही बैठे हैं टिकटॉक बना के। मे बी शायद दे आर अर्निंग, क्योंकि मुझे इसका पूरा फंडा पता नहीं है। लोग बोलते हैं पैसा मिलता है, अभी मुझे कई लोग बोलते हैं कि आप इंस्टाग्राम के फॉलोअर बढ़ा लीजिए तो आपको हम पे कर देंगे, ये है वो है। तो ठीक है, जिसको लाइक करना है करे, मैं तो काम कर रही हूँ। आपने इससे पहले बोला था कि आपके मतलब ब्लड में ही पत्रकारिता है, तो अभी आपको पता ही, पूरे देश को पता है कि जो मध्य प्रदेश में सियासी उठापटक चल रहा है, ये तो होना ही था, होना ही था, ये आपको प्री ऑब्जर्वेशन करना चाहिए थी, लेकिन बोलता कोई नहीं है। अब महाराष्ट्र में तो वो बाद में नहीं कर सकते है ना, तो पहले ही करना चालू कर दिया, तो 2 महीने बाद सरकार बनी थी। अब ये हो रहा है कि किसी को अपनी तरफ लेके किस, और ये सब चीजें तो होनी थी, प्री प्लान्ड होती है ये सब। कमलनाथ की सरकार रहेगी या फिर एक बार मध्य प्रदेश में कमल खिलेगा? मुझे तो लग रहा है अभी हमारे पास कोई ऑप्शन है ही नहीं मोदी जी। और जब से आप आए हैं तब से काफी चीजें हो गई है, लोगों के इंक्रीमेंट नहीं हुए हैं, नहीं अभी यदि औरतें अब घर से नहीं निकल सकती है। मध्य प्रदेश की हम यदि सियासी उठापटक की यदि बात कर ले तो आप 10 साल आपने, मुझे तो लगता है कि शायद चुनाव होंगे हाँ, क्योंकि आप में वो दम होना चाहिए, आपका बैकअप स्ट्रांग होना चाहिए, जैसे मेरे साथ है। ठीक है, वैसे उनके साथ भी हो रहा है। दोबारा काबिज कौन होगा ये आप बता दीजिए। वही, और हम वी डोंट हैव ऑप्शन, ज्योतिरादित्य आ जाते हैं तो वही आएंगे, अगर वो सीएम बनते हैं तो सब उनके नाम पे तो सबने कांग्रेस को वोट दिए थे। ठीक है, बन गए कमल जी। तो अब काफी सारी चीजें हैं, जो मेरे गुरु थे वो 15 साल बाद क्या होने वाला ये तक बता देते थे। अच्छा, आपके इसमें गुरु कौन है अभिनय की फील्ड में? अभिनय की फील्ड में ये तो बड़ा सवाल है। नहीं, से कैसे आप इंप्रेस हो गए कि मेरे को मतलब जाना ही है अभिनय? नहीं नहीं, मैं बताना चाहूंगी कि रिपोर्टिंग में मेरा काम तभी देखा गया जब मैं ग्लैमर की दुनिया में आई है ना, क्योंकि पहले मैं फिर काम कर ही रही थी और मेरा काम कोई दिखता ही नहीं था। ठीक है, तो फिर मैंने बोला यार ये तो गलत बात है, मैं टट्टू जैसे काम करते जा रही हूँ और हैरेसमेंट बॉडी और माइंड दोनों की हो रही है। आप सुबह 7 बजे निकलते हैं, 10 बजे आते हैं और फिर गालियाँ भी सुनते हैं, और सबसे बड़ी चीज़ ये होती है एक महिला की जो 10 लोगों के सामने गालियाँ सुन रही है। तो फिर मुझे मौका मिलने लगा, आप एल्बम करो, ऐड करो। तो फिर मुझे आइडिया आया कि चलो ये ही सब्स्टिट्यूट में ये भी कर लेती हूँ, मुझे तो पर्दे पे आना है, चाहे मैं इधर से आऊँ या इधर से आऊँ, मतलब दिखना है अपने। हाँ बस, खत्म बात, दिखना है। तो फिर ये हुआ कि काम करते 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 मेरा काम ऑफिस में दिखने लगा, मेरा ही एड मेरे ऑफिस में चल रहा था, सबसे बड़ी चीज़ तो ये, मेरा ही एड इंडिया न्यूज़ पे चल रहा था। तो सब शॉक्ड हो गए कि यूपी गवर्नमेंट का एड चल रहा है पूजा का। तो सरकारी विज्ञापन। तो फिर सबके ऑब्जर्वेशन में आया, फिर मैं पोस्ट करने लगी पिक्चर्स, तो काफ़ी सारी चीज़ें हुई। और फिर दीपक चौरसिया जी, उन्होंने मुझे काफ़ी हेल्प की, लाइक एक छुट्टी देना 4 महीने की, ये भी बहुत बड़ा बड़ी बात है। लोग तो यहाँ शादी के लिए 5 दिन की छुट्टी नहीं देते, जर्नलिज्म में स्पेशली त्यौहार हम भूल जाते हैं। हाँ, त्यौहार भूल जाते हैं, होली दिवाली सब चले जाता है। तो बस यही था कि फिर मैं मुंबई गई, जाते से ही एक्टर प्रिपेयर में मैं तो मौज मस्ती के हिसाब से गई थी, वहाँ गई तो अनुपम खेर मिल गए। फिर देखा मैंने कि यार रिपोर्टिंग तो ठीक है कि मेरे अंदर क्रांति है, सेवा का भाव है, सब है, लेकिन मैं क्या हूँ? आप जिस तरीके से क्रांति की बात कर रही हैं, तो राजनीति में तो नहीं अगला कदम होगा आपका? मैंने ग्लैमर वर्ल्ड तो इसीलिए चुना है कि मैं इस तरफ से नहीं आ पाऊँ तो इस तरफ से आ जाऊँ। मुझे पॉलिटिक्स का बड़ा
क्रेज शौक या मैं मुझे पत्रकारिता बोल दे, अभिनय अभिनय की फील्ड बोल दे, राजनीति, हाँ ग्लैमर, तीनों ही आप ग्लैमर ही हो गए हैं। तो वही बात है, तो हो सकता है क्या आने वाले समय में राजनीति में प्रवेश आपका? हाँ, मैं देखिए मैं जाना तो चाहती हूँ और यही मेरी प्लानिंग भी है और यही सोच के मैं इधर मॉडलिंग एक्टिंग में आई भी थी। लेकिन अब देखिए ऊपर वाला क्या चाहता है, मुझे कुछ पता नहीं, क्योंकि मैं सच बताऊं तो मुझसे गलत चीज़ बर्दाश्त नहीं होती है। वहाँ पर पॉलिटिक्स में जितनी चीज़ें होती क्या पता मैं कर पाऊँगी कि नहीं, तो इसी चीज़ के कारण मैं थोड़ा सा डर जाती हूँ कि यार तू तो लोगों के लिए भले के लिए सोच रही, लोग तेरी आई मीन तुझे ही नोच खाए उससे पहले क्या करेगी तू? फिर अभी देख ही रहे हैं हम मध्य प्रदेश की राजनीति में क्या चल रहा है। बहुत बहुत, या तो फिर आपके पास बाहर से फंडिंग आ रही हो या आपका फैमिली बैकअप बहुत स्ट्रांग हो तो आप हर चीज में जा सकते हैं, वरना आप मीडियम कर्मी हैं। और सच बताऊं तो इतनी दुनिया घूमने के बाद मुझे यही लगता है कि आपको हवा के साथ बहना चाहिए। अच्छा, आने वाले यदि हम बात करें पत्रकारिता में या अभिनय के क्षेत्र में, तो क्या लड़कियों को आप संदेश देना चाहती हैं? मैं संदेश क्या दे सकती हूँ इसमें, क्योंकि आपने काफी लंबा समय पत्रकारिता में भी निकाला है, अभी 4-5 साल आपको इसमें हो गए हैं, तो जो आजकल की लड़कियां यदि हम महिला पत्रकारों की बात करें वो निकल रही हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आजकल की जनरेशन तो इतनी फास्ट फॉरवर्ड हो गई कि मैं ही पीछे रह गई हूँ। वो पहले काम की नहीं, पहले कॉम्प्रो की खुद ही बात कर देती है। इसी चक्कर में पुराने जो लोग हैं काम कर रहे हैं उनको कई जगह से निकाला भी गया है, क्योंकि नए लोग पहले ही ऑफर कर देते हैं। आपके साथ कभी ऑफर आया कॉम्प्रो के लिए? वो सी आई एम अ गर्ल, एवरी वन ऑफरिंग डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स, तो आप पर डिपेंड करता है आप लेना क्या चाहते हैं। भाई आपको 100 लोग देख रहे हैं, आप किसको देख रहे हैं ये फिक्स होना चाहिए ना। मुझे तो 100 लोग देख रहे हैं खड़े हो गए, पर मेरी नज़र किस पे जा रही है ये मायने रखता है। तो मेरा फोकस तो है एक्टिंग पे, और ये बात सच है कि आपके पास टैलेंट नहीं है तो आपको चाहे आप किसी के भी अप्रोच से आ जाएं, एक पिक्चर में आएंगे दूसरी में बैठ जाएंगे, बस यही। काफी लोग ऐसे उदाहरण है भी बॉलीवुड में, बहुत सारे हैं। काफी क्या, अभी मुझे तो ज्यादा टेंशन नहीं है क्योंकि मैं उस पीक पर नहीं हूँ, लेकिन जो पीक पर है उनको ज्यादा टेंशन है कि काम नहीं मिल रहा है। तो ठीक है पूजा जी, आपका आपने मतलब कि बहुत ही बेबाकी से पूरे जो सवाल है उनके जवाब दिए। तो ये थी हमारे साथ पूजा जोशी जो कि इंदौर से हैं और ये पूर्व में 10 साल मतलब कि पत्रकार भी रह चुकी हैं और दबंग पत्रकार रह चुकी हैं और अभी अभिनय में अपनी किस्मत आजमा रही हैं। तो आप देखते रहिए न्यूज़ 29 इंडिया, एक देश सारे प्रदेश। थैंक यू।